नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पहाड़ की बात। पहाड़ की बात में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने पूरे उत्तराखंड में तहलका मचा कर रख दिया है। ये मुद्दा नौकरी से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी चरम सीमा पर तो है ही, साथ ही इसके बाद UK SSSC की ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा को लेकर विवाद, विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर लगे आरोपों ने हर किसी को यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है। जिस कल्पना के लिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक अलग राज्य बनाया गया था, क्या वो कल्पना यही थी? सोचकर बड़ा दुख होता है। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर और बात करते हैं पिछले कई समय से उत्तराखंड की विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर लगे आरोपों पर। आरोप क्या लगे हैं ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर पहला आरोप है कि इस भर्ती में भाई भतीजावाद हुआ है और संवैधानिक पद पर रहकर नेताओं ने अपने लोगों को नियुक्तियां दी। दूसरा आरोप है कि इन नियुक्तियों में केवल नेताओं के रिश्तेदार ही नहीं बल्कि मंत्रियों के PRO या उनके सगे संबंधी भी को सभी संबंधियों को भी इसमें नियुक्ति दी गई। इसके बाद विधानसभा में साल 2021 में 72 लोगों की नियुक्ति का आरोप लगा, जिस पर उस वक्त के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और जो अभी वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। भाजपा सरकार नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया? आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ। 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। मंत्रियों के PR बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए, आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए वो? ये मैंने कहा ना नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर, अरे 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई, 5 महीने बाद वो तनखा लेते हैं। मार्च 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का, तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे मिलती है? ये विधानसभा जवाब देगा क्योंकि ये विधानसभा का क्या पूर्व वित्त सचिव अमित नेगी ने सिग्नेचर नहीं किए थे सर? ये विधानसभा, अब ये विधानसभा जवाब देगा। अच्छा सर, पूर्व मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कहीं गलती है कोई? एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उनके पास फाइल नियुक्ति को लेकर फाइल आई थी लेकिन उन्होंने उस पर साइन नहीं किए थे क्योंकि वो त्रिवेंद्र रावत जी को भी जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम की बात हमने कही है, एग्जाम कराया है और एग्जाम यदि हाईकोर्ट में, मैंने कहा ना आपको हाईकोर्ट में यदि वो लंबित है तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? हाईकोर्ट निर्देश है, कॉपी रखिए, उसमें उसका निर्णय आ जाना चाहिए। अब आप ये जान लीजिए कि विधानसभा नियुक्ति मामले में लगे आरोपों पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया गया तो धामी साहब ने इस पर क्या कुछ कहा, आप ये जान लीजिए। बहुत गंभीर है और ये हमारे सभी प्रदेश के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है, रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जहां पर भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है हमने उसकी जांच के सख्त आदेश दिए हैं। STF को उसके लिए नियुक्त किया है, कुछ मामलों में हमने विजिलेंस को नियुक्त किया है, सभी पर कार्रवाइयां चल रही हैं और ये आप सबके सामने आ भी रहा है कि 25 गिरफ्तारियां अभी तक हो गई हैं और कोई भी इसमें छूटने वाला नहीं है, चाहे किसी के हाथ कितने लंबे क्यों न हो, कानून अपना काम करेगा, जांच उस तक पहुंचेगी। इसमें हम यह भी एक नजीर आगे के लिए बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में कभी इस प्रकार की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो, इसलिए एक सिस्टम जो है हमें हमारे बेटे बेटियों की आज की चिंता है, कल की भी चिंता है, उनके वर्तमान की चिंता है तो उनके भविष्य की भी चिंता है, इसलिए हमने कहा है कि इस भर्ती को, ये जितनी भी हमारी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो इस प्रकार से फुल प्रूफ हो कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने की कृत्य करना तो दूर, इस तरफ सोचना भी जो है उसको बहुत उसकी सोच में भी कभी ना आए। तो इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। आपने कहा विधानसभा की बात, विधानसभा क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं अगर कहीं पर गड़बड़ी की शिकायत आई है वो किसी के भी कालखंड में हुई है तो उन सभी भर्तियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें सरकार की तरफ से जो भी वो हमको कहेंगी, जो भी सहयोग वो मांगेंगी, किसी संस्था की बात करेंगी, किसी जांच एजेंसी की बात करेंगी, हम हर चीज जो है उनको देने के लिए तैयार हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जहां पर भी गड़बड़ी हो उसकी निष्पक्ष जांच हो। जो भी परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है,
उसमें भी हम पूरी तरह से जो है उसकी छानबीन कर रहे हैं। जिन लोगों ने मेहनत से अपनी परीक्षाएं पास की हैं उनके साथ हम किसी प्रकार का भी जो है उनका नुकसान नहीं होने देंगे और जो न्याय का सिद्धांत है उस न्याय के सिद्धांत पर काम करेंगे। बीजेपी सरकार के समय में लगे इन आरोपों के बाद कांग्रेस के पास भी सीएम धामी और बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने ट्वीट कर कहा कि कई विभागों में भर्तियों में घोटाले सामने आना और उसके बाद बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए और मुख्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आनी चाहिए, यही हमारी मांग है। इसके बाद आज कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कई बातें कही हैं, देखिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन अब इस बात को साबित होने में कोई शक नहीं रह गया है कि जिन एजेंसियों का नाम उस भर्ती में था, जो जिन एजेंसियों ने नोएडा में वो भर्तियां की, उन्हीं एजेंसियों का नाम इस भर्ती घोटाले में भी है। जब इस भर्ती घोटाले में उन एजेंसियों का नाम है तो वह भर्तियां कैसे पाक साफ हो गई। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने आधी भर्तियों के जांच के आदेश दे दिए, आपने कांग्रेस के समय में 2015 में हुई दरोगा भर्तियों के लिए पुलिस के महानिदेशक से पत्र लिखवा दिया, उसकी जांच करवा दी, लेकिन सहकारिता और उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती पर जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे इस बात को बताइए। और अगर आप नहीं करते, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अध्यक्ष जी को विधानसभा में हुई भर्तियों के घोटाले के लिए कहा है कि कृपया उसकी जांच कराए, नहीं कहा स्पष्ट करें। अगर ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मुझे खुशी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर आपने सहकारिता विभाग के जांच नहीं की तो ये माना जाएगा कि आप भी उसमें हितधारी हैं, आप भी उसमें सहभागी हैं, ये माना जाएगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस प्रदेश का युवा आज बहुत बारीक नजरों से आपको देख रहा है, आपको देख रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री कितने तटस्थ भाव से इन भर्ती के घपलों की जांच कराते हैं। और मेरा निवेदन है कि आपकी जांच पर तभी भरोसा होगा कि जब आप सीबीआई जांच की संस्तुति करें और सीबीआई भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की देखरेख में ये जांच करे, तभी उस सीबीआई जांच पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वक्तव्य जारी किया जिसमें मैंने कहा कि वो खून नहीं है पानी है जो ऐसे मुद्दों पर खौल न जाए। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ प्रदेश की युवा पीढ़ी का कि मेरे प्यारे साथियों, आज तुम्हारा भविष्य दांव पर है, कल तुमसे छोटे तुम्हारे भाइयों का भविष्य दांव पर होगा अगर नेता लोगों को प्रदेश की नौकरियों पर। तो अब राजनीति भी इस मामले पर हावी हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में कब तक ऐसा होते रहेगा? क्या उत्तराखंडियों को साफ सुथरी जनता की हितैषी सरकार नहीं मिल पा रही है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर वो नागरिक पूछ रहा है जो इस खबर को पढ़ रहा है, इस खबर के बारे में जान रहा है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें उत्तराखंड तक।